परसों आईपीएल के खिलाड़ियों की बोली लगेगी, जहां इस बोली में राजस्थान के कई खिलाड़ी शामिल हैं। इस नीलामी को लेकर राजस्थान रॉयल्स के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज दिशांत याग्निक ने ईटीवी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा याग्निक ने, जरा सुनिए। बीसीसीआई के बैन के हटाने के बाद अब एक बार फिर राजस्थान रॉयल की आईपीएल में वापसी होगी और कितना कुछ भविष्य होगा राजस्थान के तमाम क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों का और कितना कहीं कहीं इस फैसले के बाद राजस्थान के खिलाड़ियों पर इसका असर पड़ेगा। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त जो है दिशांत याग्निक है, जो राजस्थान रॉयल में पहले खेल चुके हैं, काफी लंबा ये इस टीम के साथ खेले हैं। आपसे पूछते हैं राजस्थान रॉयल की वापसी हो रही, क्या कहेंगे? नहीं, काफी अच्छा विषय, हर्ष का विषय सबके लिए कि दो साल के बाद राजस्थान रॉयल्स वापसी हुई है। और अगर जयपुर में टूर्नामेंट हो रहा है तो जितने भी दर्शक थे राजस्थान रॉयल्स के, जो कि सपोर्टर हैं, और उनके लिए बहुत खुशी की बात है। मैं राजस्थान रॉयल्स के लिए लंबे समय के लिए खेला हूँ। होम जो सपोर्ट होता है वो बहुत जरूरी होता है आईपीएल में, क्योंकि आपकी जो फैन की एक्सपेक्टेशन होती है उस पर आपको खरा उतरना होता है। और होम एडवांटेज इसलिए भी जरूरी है कि आपको 8 मैच होम में खेलने होते हैं, तो उन 8 मैचों में आपका अगर बेस अच्छा बनता है, और राजस्थान रॉयल्स की यार हिस्ट्री रही है कि बहुत, हम लोग जिस साल 2013 में सेवन में खेले थे, हमने 8 के 8 मैच जीते थे, भले वो हमारे सामने चेन्नई सुपर किंग भी थी, मुंबई इंडियंस भी बड़ी बड़ी टीम थी, तो काफ़ी खुशी की बात है। और एज अ प्लेयर मेरे को भी बहुत खुशी की बात है कि हम राजस्थान रॉयल्स के जो स्टार हैं उनको खेलते हुए देखेंगे एसएमएस स्टेडियम पे। अगर मैं पूछूं आपसे बेन हटा है, किस तरह से राजस्थान के खिलाड़ियों का भविष्य आप देखते हैं? जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात यह है कि खिलाड़ियों का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जैसे आपको सबको पता है कि राजस्थान की टीम T20 में काफ़ी अच्छा कर रही है, बहुत नए नए बच्चे अच्छा कर रहे हैं, यंगस्टर्स ने बहुत परफॉर्म किया हुआ है। और जैसे आईपीएल में खेले हुए पहले अनिकेत चौधरी है, दीपक चाहर हैं, राहुल चाहर हैं, तो इन मुझे लगता है जो आने वाली बोली है 27 तारीख को 28 तारीख को आईपीएल की जो बोली है उनमें अच्छे प्रमुख खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो बोली में किसको लगता है प्राथमिकता मिलेगी, कौन कौन नाम हो? मेरे हिसाब से अनिकेत, नाथू सिंह, कमलेश नागरकोटी जो कि वर्ल्ड कप अभी खेल रहे हैं, खलील अहमद, दीपक चाहर, ये प्रमुख 5 नाम मुझे ऐसा लगता है कि बोली में उनको काफी तवज्जो दी जाएगी। हमारे साथ दिशांत याग्निक, जिन्होंने बताया कि अगर होम ग्राउंड में अगर मैच होते हैं तो किस तरह से राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं उनको फायदा मिलेगा, एक्सपीरियंस चूंकि इस फील्ड पर खेलने का उनको होगा, तो राजस्थान में यदि मैच होते हैं तो उनको किस तरह से फायदा मिलेगा। इसके साथ ही तमाम जो खिलाड़ियों के उन्होंने नाम बताया कि उनको किस तरह से जो है बोली में प्राथमिकता मिल सकती है, वो महंगी बोली में जो है कहीं कहीं जा सकते हैं, और कुल मिलाकर राजस्थान के लिहाज से राजस्थान रॉयल का आईपीएल में खेलना कहीं कहीं गर्व की बात है और तमाम राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी कहीं कहीं खुशी की बात है। कैमरामैन जमाल खान के साथ सतीश शर्मा, ईटीवी न्यूज़ उदयपुर।